पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के वार्ड प्रत्याशी वार्ड नंबर 15 में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर प्रत्याशी सैयद रईसुद्दीन नईमी और राजकुमार प्रजापति असलम पंचायती ने वार्ड 15 के सभासद प्रत्याशी इंजीनियर सलीम अकील की पत्नी के पक्ष में वोट मांगे और कहा कि सभी को समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर 4 तारीख को मतदान करना है और साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और फूल मालाओं से मेयर प्रत्याशी और सभासद प्रत्याशी पति का जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले अपना तारुफ कराऊं कि सदर फाजिल मौलाना मुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते होंगे, बानियतर उलूम जामिया, मैं उनका पोता हूं सैयद रईसुद्दीन नईमी, क्योंकि मेरे खून में इनकी चीज शामिल है। उस खानदान से आता हूं जहां इनका पहले पहला दर्जा है, इसलिए आपसे मैं कोशिश दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए आप हमारा हाथ बटाएं, हमारे लिए दुआ करें ताकि हम भारी मतों से जीतें और हमारे जनाब इंजीनियर साहब की अहलिया सलीम भाई की अहलिया को भारी मतों से जिताएं और उसके साथ बड़ी सीट पर मुझे वोट करें। आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, शायद इससे बुरा दौर हिंदुस्तान के ऊपर कभी नहीं आया होगा और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों पर इससे बुरा दौर कभी नहीं आया होगा। साथियों, आज आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पार्लियामेंट से ऐसे ऐसे कानून पास हुए और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास हुए उनमें मुझे ये एहसास होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिल आज़ादी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। 3 तलाक का कानून आया, CAA आ गया, जिसमें अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान की शरण लेना चाहता है तो धर्म के नाम के ऊपर उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तमाम दुनिया में प्रोटेस्ट हुए इसके, 370 हटाई गई, 371 ही हटाई गई। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने BSP के सांसदों से इस बात को कहा, जब मैंने अमरोहे के सांसद से ये कहा कि 3 तलाक के ऊपर तुमने साथ दिया इसका BJP का, और अब ये CA आया है, तुम अपने जमीर और अपने ईमान से पूछना कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। सांसद ने मुझसे ये कहा, ना सिर्फ दानिश अली ने मुझसे इस बात को कहा कि हसन साहब, मैं भी ईमान वाला इंसान हूँ, मैंने कह दिया कि मैं इस पर नहीं बोलूँगा। जब ये कानून आ गया और वो नहीं बोले, अगले दिन BSP ने उनको अपने दल के नेता से हटा दिया। उस वक्त कहाँ थी जब तुम्हें ज़रूरत थी उनकी? आज फिर हमसे वोट मांगते हो, हमें पार्टी के लिए फिर आए हो। नतीजा हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ? किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे परेशानी है तो किसी को अजान पे परेशानी है, और हद तो ये हो गई कि मेरा और आपके आका रहमतुल्लाह आलमीन ताजदार मदीना हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, और जिसने गुस्ताखी करी उसको 2 घंटे की जेल नहीं हुई। वो पार्टी हमसे वोट लेने आई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।